Good morning, students. We will start the second chapter of the Footprints Without Feet. Chapter name is The Thief's Story. Lesson number two, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born in 19th May 1934 in Kausali, Himachal Pradesh. Understand? Means Janmu. 19 मई 1934 को कौशाली हिमाचल प्रदेश में हुआ और इनकी परवरिश परवरिश भी मतलब इनका जो बचपन है और अभी तक ये इंडिया में ही रह रहे हैं शिमला जामनगर और मसूरी देहरादून में ही गुजरा है और साथ में था लंदन में भी मींस ये जो रस्किन बॉन्ड है अभी भी इंडिया में ही रह रहे हैं ठीक है तो ये मूल इंग्लैंड के जन्म इनका इंडिया में हुआ था इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में थे तो उस समय कौसानी में एक अस्पताल में इनका जन्म हुआ था ये बहुत ही फेमस राइटर हैं इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं नोवल लिखे हैं अंडरस्टैंड और जितने भी अवार्ड्स होते हैं पुरस्कार सम्मान इनको इंडिया में प्राप्त हुए जो भी इंडिया के सम्मान होते हैं सब कुछ इनको इंडिया में प्राप्त हुए हैं में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवार्ड होता है सम्मान होता है उसके पश्चात उन्नीस सौ निन्यानवे में इनको पद्मश्री फिर 2014 में इनको पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है इनकी जो फेमस बुक नोवल है मैं तो बताता हूँ आपको अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा फर्स्ट फ्लाइट ऑफ पिजन एक नॉवल कब फेमस हुआ है इस पर फिल्म भी बनी है शशि कपूर ने बनाई है द ब्लू अम्रेला ये उनके फेमस नॉवल्स है अब हम पढ़ते हैं चैप्टर को जो स्टोरी है इसमें इसमें है क्या स्टोरी में पहले पढ़ेंगे हम पे आप देखते हैं अंग ंग Anil. Anil बॉय है फ्रेंड विद अनिल अनिल को क्या अपना दोस्त एक व्यक्ति है अनिल वो उसको क्या अपना दोस्त बनाता है अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली और अनिल जो है उस पर पूरी तरह से विश्वास ही बिलीव्स हिम कम्प्लीटली ठीक है उस यंग बॉय पे क्या है वो पूर्णा विश्वास कर लेता है डस द बॉय बिट्रे ट्रस्ट क्या वो बॉय जो यंग बॉय है उसका ट्रस्ट उसके विश्वास को तोड़ता है या नहीं वो हम इसमें पढ़ेंगे समझ में है अब यहाँ पे who does the रिफर रीड एंड फाइंड आउट इस हमने इन में इस जो पैराग्राफ में पढ़ूंगा इसमें हमने ढूंढना है कि इसमें क्या है who does I रिफर इन दिस स्टोरी आई कौन इस स्टोरी में एंड वट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट इसका अर्थ क्या होता है एंड वट डज ही गेट फ्रॉम अनिल और जो वो कार्य करता था उस, उसके साथ अनिल के साथ कौन वो यंग बॉय उसको उसके बदले में रिटर्न में क्या मिलता है जैसे कहीं को पैसा मिलता है काम करने का उसको क्या मिलता है वो हम इसमें इस, पढ़ेंगे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत इसकी फ्रेम में बता देता हूँ इस चैप्टर में कि क्या है यहाँ पे क्या है तो नरेटर है द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ थीप जो नरेटर है जो इस कहानी का जो लेखक है नरेटर है जिसने कहानी नरेट की है वो क्या है एक चोर है ही इज वेरी क्लेवर एट स्टीलिंग थिंग्स वो क्या है चोरी करने में बहुत ही चालाक है बट ही इज इलिटरेट लेकिन वो क्या है अनपढ़ है ही इज इलिटरेट ही ट्राइज ही ट्राइज़

Him. जो चोर था वो क्या है चोरी, उसकी चोरी करता है उसका विचार मतलब चोरी तो कर लेता है वो उसके मन में क्या है विचार बदलता है चोरी भागता तो उसके घर से वो यार उसके घर पे मैं पढ़ रहा था तो मैं क्या हूँ पढ़ रहा था तो वो वापस आता है और वो सोचता है कि मैं एक अच्छे जेंटलमैन की लाइफ व्यतीत करूं पढ़े लिखे जेंटलमैन की लाइफ और वो वापस आता है अनिल नोज एवरीथिंग अनिल को पता लग जाता है जब वो चोरी करके वापस आता है बट ही डजेंट शो दैट ही नोज अबाउट हिस थेफ्ट एंड अब वो शो नहीं करता उसको प्रकट नहीं करता उसको मालूम है कि उसने उसके घर में चोरी की है फिर वापस आया है वो उसको नहीं करता है शो नहीं करता है बिकॉज हेल्प्स द थीफ इन बिकमिंग अ गुड पर्सन और वो क्या है उस चोर की मदद करता है उसके बावजूद भी क्या उसको पढ़ाता लिखाता है एक अच्छा व्यक्ति बने वो क्या है अच्छा व्यक्ति बनने में उसको सहायक बनाता है उसकी एजुकेशन में किस एजुकेशन में क्या उसकी हेल्प करता है अब यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं पोएम इसके चैप्टर को आई वॉज स्टिल thief. मीन्स कौन कह रहा है जो यंग बॉय है आई वॉज स्टिल thief वेन आई मेट अनिल जब मैं क्या हूँ अनिल से मिला तब मैं क्या अब अभी तक भी क्या हूँ मैं चोर हूँ मेट through ओनली फिफ्टीन और मेरी उम्र कितनी है पंद्रह साल की आई वॉज एंड एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड और मैं क्या हूं एक्सपीरियंस्ड मंस मैं क्या हूं एक्सपीरियंस अनुभवी मैं क्या हूं अनुभवी मैं क्या हूं अनुभवी एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड्स मीन्स मैं अपने काम में इतना निपुण हूँ इतना अनुभवी हूँ मैंने निसंकोच फेयरली बिना डरे हुए मीन्स बिना डरे हुए चोरी करता हूँ मीन्स so, अपने हाथ में कार्य में कुशल हूँ मैं एक्सपीरियंसड हूँ मैं पकड़ने का मुझे ठीक है समझ में आया फेयरली एक्सपीरियंस आया समझ में अनुभवी हूँ मतलब मैं अपने कार्य में अनिल वस अब यहां पर देखो अनिल वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई हिम जब मैं उसके पास गया अप्रोच नजदीक पहुंचा तो वो क्या कर रहा था रेसलिंग मैच क्या कर रहा था वो रेसलिंग मैच देख रहा था ठीक है अखाड़े में रेसलिंग कुश्ती वाला मैच होता है ठीक ही अबाउट ट्वेंटी फाइव वो कितने साल का था पच्चीस साल का था ठीक है कौन जो अनिल है जो, जो सर मिलता है ए टाल एंड लीन फेलो टाल एंड लीन फेलो मीन्स पतला और लीन लंबा फेलो व्यक्ति था वो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड और आसानी सरल स्वभाव का सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति लग रहा था काफी दयालु था का साधा लग रहा था और मेरे उद्देश्य के लिए क्या था वो साधारण था मेरे मतलब उस उद्देश्य क्या था उसको चोरी करने का बहुत ही सीधा साधा था। था। बोला था उसको पेकू बना के चोरी करने का उसका उद्देश्य था आई हैड मच लक of late and through i might be able to get into a young man's confidence ab i hadn't have much luck of late means mujhe kya hai मुझे देर नहीं करनी कि अपने भाग्य को आजमाने में ठीक है अब देर नहीं करनी अच्छा भाग्य से मुझे वो अच्छा व्यक्ति मिला है ठीक

तुम क्या दिखा दे रहे हो पहलवान की भांति योर सेल्फ आई कि तुम क्या हो पहलवान की भांति आई सेट आटिल्लैट्री मीन्स फ्लैटरी मीन्स झूठ बोलना चापलूसी करना मतलब ठीक है फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना ठीक

जब वो चापलोसी करता है कि तुम लग रहे हो रिप्लाई करता है तुम भी तो सो डू यू उस समय क्या है सो यू ही रिप्लाईड विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट और तब मुझे क्या है थोड़ा अजीब सा लगा मतलब ठीक उस समय फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट उस समय में मैं बहुत पतला था मतलब इस टाइप से वो बोल रहा है rather thin. Well, I said modestly. Modestly means, से बोला मैंने उसको ठीक है मॉडेस्टली आई डू आर रेसलिंग बिट मीन्स मैं भी क्या हूं थोड़ा बहुत कुछ थी कहता हूं मॉडल प्रेम से शिष्टाचार से कि मैं भी क्या हूं? थोड़ा बहुत रेसलिंग बिट मैं कुश्ती करता हूँ फिर कहता है व्हाट्स योर नेम अब जो अनिल है वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है व्हाट्स योर नेम हरी सिंह आई ट्राइड मैंने कहा हरी सिंह आई ट्राइड सॉरी हरी सिंह आई लाइट सॉरी आई लाइट मीन मैंने झूठ बोला हरी सिंह लाइट आई टुक अम्स एवरी मंथ दैट कैप्टी एड फ्रॉम पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉइज अब हर महीने क्या है नया नया नाम बदलता था नए नए नाम माना उसने किसी के घर में उससे पहले काम किया है तो वहाँ उसने कुछ और नाम बताया राम शाम जो भी है ठीक वहाँ पे वो चोरी करके आया होगा तो चोरी किसने की राम ने ठीक है वो जिस अगर वो उसको जो मालिक वो पुराना मालिक कंप्लेन कर लिया राम ने नौकर ने मेरे घर में चोरी की या श्याम जो भी है यहाँ पे क्या बताया उसका नाम अपना हरी सिंह ताकि क्या है वो उनसे बच सके ऐसा वो हमेशा बताता था पुलिस से और अपने फॉर्मर मीन पहले के जो उसके मालिक थे उनसे वो बच सके आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन इस इंट्रोडक्शन के बाद आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल अनिलउट द वेल ऑयल्ड रेसलर और अनिल क्या है वेल ऑयल अच्छी तरह जिसमें तेल लगा हुआ था उस रेसलर रेसलिंग करता उसमें बॉडी में तेल हुआ देखा होगा टीवी में रेसलिंग में ठीक है वेल ऑयल रेसलर हु ग्रूटिंग ठीक है जो क्या था गुस्सा कर रहा था गुर्रा रहा था ठीक लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट और जो क्या है एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहा था दू, एक दूसरे को ईच अदर अबाउट एंड आई डिडंट

हेलो अगेन ही सेड वो उसको दोबारा क्या कहता है हेलो कहता है आई ठीक सुन में आई गेव अब यहाँ पे ये लाइन देखेंगे आई गेव हिम माय मोस्ट अपेलिंग स्माइल और मैंने क्या है एक आकर्षक वाली स्माइल उसको दी आई वांट टू वर्क फॉर यू फिर कहता है वो कौन जो यंग मैन है कि मैं आपके साथ आई टू वर्क फॉर यू मैं आपके साथ क्या हूँ काम करना चाहता हूँ आई वो कहता है आई का बट आई कांट पे यू फिर वो कहता है कहता है कि मैं तुम्हें क्या हूँ पेमेंट सैलरी नहीं दे सकता मेरे पास सैलरी मैं तुमको नहीं दे सकता मैं अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज आई थॉट फॉर ओवर फॉर अ मिनट फिर कहता है कि यार सोचता है कौन जो यंग बॉय होता है क्या नाम था उसका हरी सिंह सोचता है वो यार क्या सोचता है देखते हैं

मुझे पैसे नहीं दे सकते भुगतान नहीं कर सकते मेरे सैलरी का काम का तो मुझे क्या हो खिला तो सकते हो can you feed me? फिर कहता है अनिल कहता है कैन यू कुक क्या तुम क्या हो पका सकते हो फिर कहता है आई कैन कुक मैं क्या हूं खाना पका सकता हूँ आई लाइट अगेन दोबारा वो झूठ बोलता एक बार तो उसने कब झूठ बोला था जब क्या है उसने क्या जब नाम पूछा उससे तब अब दोबारा क्या है कि अब झूठ है कि मैं खाना पका सकता हूँ इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू अगर तुम क्या हो खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ समझ में

द मील आई कुकड अब उसके बाद क्या है तुम सोच दिया बट द मील आई कुक दाइट मस्ट है एंड टोल्ड मी टू बी और जिस उस दिन क्या है उसने जो भोजन पकाया अनिल ने इतना खराब था सॉरी हरी सिंह ने ठीक है जनरेटर कह रहा है कि जो मैंने भोजन पकाया उस दिन इतना खराब था इतना गंदा था कि उसने क्या है उसको स्ट्रेट डॉग्स को दिया और जो गली के कुत्ते होते हैं ना आवारा कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं आपने देखो अपने घर के आसपास मोहल्ले में ठीक है ना और उसने क्या कहा देखो यहाँ पे ठीक है Stray dogs and told me to be off और कहा तुम चले जाओ ठीक है तुम क्या हो यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया उसने बट लेकिन जस्ट हैंग अराउंड और मैं क्या उसके आसपास ही घूमता रहा मतलब उसके आसपास ही टहलता रहा स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपेलिंग वे और अपनी आकर्षक वाली इस मुस्कुराहट जो बनावटी मुस्कुराहट थी उसकी नकली वाली वो एंड ही अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग और वो क्या है मना तरह और वो क्या बिना हंसे हस, बिना ही रह सका चुपचाप ऐसे हंस भी नहीं पाया वो लेटर ही पैटेड बाद में क्या है लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड फिर वो क्या है मेरे सर को पैटेड थपथपाना होता है बेटा पैटेड मींस स्टूडेंट्स थपथपाना होता है नेवर माइंड मीन्स मेरी बात का बुरा मत मानना ठीक है ना ही हैड टीच मी कुक उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा एंड ही ठीक है टीच मी कुक एंड ही आल्सो टाउट मी टू राइट माय नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी राइट होल सेंटेंस उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा और मैं तुम्हें क्या हूँ ही आल्सो साथ में टाउट मी To write my name. नाम कैसे लिखते हैं अपना नाम कैसे लिखते हैं, लिखते हैं भी सिखा तुम्हें ऐसा हो कहता है एंड टू एड नंबर्स और जो मैथ्स में नहीं जोड़ घट आना एड नंबर दो दोनों चार छ दस ऐसे चार दो छो दस ऐसे इस प्रकार से एड नंबर आई वर्स आई वॉज ग्रेटफुल मैं क्या हो गया कृतज्ञ हो गया धन्य हो गया आई न्यू मैं समझ गया आई न्यू दैट आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन अगर मैं एक बार क्या हूं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखने लग गया मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव तो मीन्स अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि मैंने अचीवमेंट्स मैंने क्या प्राप्त कर लिया ठीक है ना अचीवमेंट प्राप्त करना ठीक है अचीवमेंट ठीक मैंने क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली है अगर मैं मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि थी पढ़ना लिखना ठीक है ऐसा वो बोलता है इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग अब वो बहुत ही मतलब प्रेजेंट मीन खुश हो गया उसके साथ काम करने में सु, सुखद हो गया ठीक है वर्किंग फॉर अनिल इन द मॉर्निंग अब उसका दिनचर्या सुबह उठता था वो चाय बनाता था उसके लिए एंड देन उसके बाद एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द ठीक है बाइंग द डेज सप्लाइज ठीक अब दिन व्यतीत करता था वो दैनिक सामग्री मीन्स जो खाने पीने की सामग्री होती है ना दिन में जाता था दुकानों में खरीदने फरीदने में ठीक है सप्लाई यूजली सामान द मेकिंग प्रॉफिट ऑफ

कि सौ सौ रुपये दिए सामान आया अस्सी रुपये का बीस रुपये वापस नहीं किए तो ऐसा ही उसने भी किया ठीक है कि उसने सामान दिया अनिल ने सामान सामानी पैसे दिए और उसने एक आधे रुपये अपने जेब में बचा लिए वो जानता है कि इसने पैसे बचा लेकिन कभी आई मेड अल मनी दिस वे बट ही डिड नाट सीम टू माइंड और उसने क्या है इस बात की कभी मतलब तो परवाह नहीं की ध्यान दिया उसने इस बात पर कि उसने क्या है थोड़ा बहुत पैसे बना लिए हैं आगे देखो ठीक है नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अनिल मेड मनी अब क्या है अनिल मेड मनी अब अनिल जो है पैसे कैसे बनाता था ठीक है ना अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ठीक वो पैसे था? अनिल का जो, जो धन खर्च करने का कमाता कैसा था वो सप्ताह में ठीक अनिल बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स स्टार्ट्स मीन अनिल क्या है अनियमित रूप से उसका पैसा था मतलब ठीक ही वुड बोरो वन वीक एक हफ्ता वो क्या है उधार मांगता था ये आज पैसे खत्म हो उधार दे दो एंड लैंड द नेक्स्ट वीक और उस उधार को क्या है दूसरे दिन वो वाप चुकाता था मतलब वापस करता था ही कैप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक और वो क्या हमेशा अगला चेक आने के लिए मतलब उसका चेक आने वाला है इस बारे में वो वो क्या हो चिंतित रहता था But, as soon as it arrived, जैसे वो जल्दी से आता है ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट और जैसा पैसा आया उसके पास चेक आया फिर वो क्या सेलिब्रेट करता था ठीक है चिंता करता था चेक आने की जैसे चेक आता था तो उसको क्या है उस सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाता खाता पीता था उसको ठीक है ना उत्सव मनाना मतलब सेलिब्रेट करता था पार्टी शार्टी जो भी है इट सेम्स ही रोड फॉर ए मैगजीन ऐसा प्रतीत होता था कि वो क्या है किसी मैगजीन में मतलब राइटर है वो एंड क्वीर वे टू मेक क्यूर वे टू मेक एंड लिविंग एक उसका अजीब सा चित्र सा तरीका था ठीक है ना आजीविका कमाने का एक अलग सा तरीका था आप देखो वन इवनिंग पे ठीक वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स एक दिन शाम को क्या है और छोटा सा बंडल ऑफ नोट्स लेके पैसे बंडल लेके आया है सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द टू अ पब्लिशर और कहता है कि उसने क्या है ये किताब क्या है किसी पब्लिशर को प्रकाशक को बेच दी है अभी अभी ठीक है प्रकाशक को बेच दी है पब्लिशर एट नाइट आई सॉ हिम आई सॉ हिम टस्क द मनी अंडर द मैट्रेस ठीक है और मैंने उसको देख लिया कि उसने पैसे क्या है गद्दे के नीचे खिसका दी मैंने रख दिए गद्दे के नीचे ठीक अंडर द मैट्रेस आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड मैं क्या हूं अनिल के साथ लगभग लगभग एक महीने से काम कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग मीन्स वो शॉपिंग में चीटिंग करता था उसके साथ कंस्ट्रूमेंट ने आपको बताया था कि एक रुपए पर डे शॉपिंग जब जाता था बाजार में तो वो चीटिंग करता था शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क और उसके अलावा उसने कुछ कार्य ऐसा नहीं किया माय लाइन ऑफ वर्क इसका मतलब क्या हो गया जो उसकी लाइन थी कार्य करने क्या थी चोरी करने का उसका क्या था कार्य था उस वर्क मतलब उसका जो अपनी लाइन का जो कार्य था उसने नहीं किया केवल किसके जो पैसे बनाने में उसने जो सामानों में पैसे बनाए हैं आई एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो और अब क्या किया उसके पास अवसर था उसके पास अवसर आ गया ठीक है ना अपॉर्चुनिटी आ गई तो अवसर आ गया कि उसने पैसे रखे कहाँ रखे हैं उसको पता है पैसे ठीक है कि जो उसकी लाइन का मैंने चोरी करने की जो लाइन है उस कार्य में कुछ काम करे अनिल हैड गिवन मी अ की और अनिल ने क्या है उसको चाबी दी रहती थी मी की मी अ की टू द डोर और उसने मुझे क्या है दरवाजे की चाबी दी रहती थी एंड ही कुड कम एंड गो एज आई प्लीज अब जब मतलब चाबी थे, थे जब मेरी मर्जी आए मैं आऊँ जाऊँ ऐसा कुछ नहीं ठीक है आई प्लीज He was the most trusting person I had ever मीट और मीन्स वो क्या था बहुत ही विश्वास करने वाला दूसरों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था इस मतलब ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने कभी अपने जीवन में नहीं मिला मैं किसी से भी ऐसा वो बोलता है ठीक है अगला पैराग्राफ आप देखो एंड इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम इसलिए क्या है उसको चोरी करना बहुत मुश्किल होता है ठीक है ना किसको जो ट्रस्टिंग ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति था इजी टू रॉब इजी रॉब अ ग्रीडी मैन मीन्स एक लालची व्यक्ति को लूटना क्या था लालची व्यक्ति उसको आसान होता है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब ठीक है बिकॉज मीन्स क्योंकि वह क्या है अपने लूटे जाने मतलब अपने को लूटने को मतलब वो करता है मतलब ऑफर करता है आओ कि मेरे को लूटो मिस कर करके वो पैसा जाता है तिजोरी में और तुजोरी ठीक है, है ना ऑफर टू बी रॉब्ड बट बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ स पर्सन और जो व्यक्ति क्या होता है लापरवाह होता है केयरलेस होता है उसको लूटना ठीक है ना उसको लूटनास पर्सन केयरलेस मैन जो लापरवाह व्यक्ति होता है उसको लूटना क्या है बहुत मुश्किल होता है समटाइम ही डजन इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड And that takes all the pleasure out of work. उनकी क्या हो गई चोरी हो गई अब जिसको लालची व्यक्ति होता है वो सारा पैसा कहाँ रखता है अपने तिजोरी में रखता है अब चोर आता है उस तिजोरी को तोड़ता है और चेक करता रहता है सुबह शाम अपनी तिजोरी को कि मैंने पैसा रखा है यहाँ पे अगर जो टूट गई तो उधर ही मैं तो लूट गया मैं मेरी चोरी हो गई मैं तो बर्बाद हो गया लेकिन जो केयरलेस व्यक्ति जो लापरवाह व्यक्ति होता है वो क्या करता है उसको मालूम नहीं होता कि मैंने अपना सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ घर के किस किस कोने में रखा हुआ होता है ठीक है ना कि उसने जैसे आपको देखा वो लापरवाही आप जाते हो घर पे तो आप भी बहुत लापरवाह होंगे ठीक अभी घर पे गए शर्ट की कॉपी उधर जूता उधर रख दिया ये सब केयरलेस होता है सुबह ढूंढते रहते कहाँ गया ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति लापरवाह होता है जैसे नरेटर था सॉरी जो हर अनिल था कि पैसे कुछ पैसे यहाँ रख दिए फिर गया पैसा भूल गया कहाँ रखे हुए तो इस जो जो क्या है जो उत्साह होता है चोरी करने का प्लेजर होता आनंद मिलता है आउट ठीक है दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क मीन जो आनंद होता है कि उसको मालूम भी नहीं होता है तो जो आनंद होता है चोरी करने का उसको मतलब खत्म हो जाता है मतलब आनंद जो केयरलेस व्यक्ति को चोरी करने का अगला आगे, पैराग्राफ आगे 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 देखो वेल इट्स टाइम वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क अब कहता है अब समय आ गया है कि मैं कुछ रियल कार्य करूं आई टोल्ड माई सेल्फ मैं अपने आप में क्या हूँ कह रहा हूँ माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस मैं क्या हूँ प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस में नहीं हूँ मैं प्रैक्टिस से क्या हो चुका हूँ बाहर हो चुका हूँ आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी अगर मैं उस पैसे को नहीं चुराता हूँ ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स और वो क्या है उस पैसे को अपने फ्रेंड्स पर क्या कर देगा वेस्ट कर देगा आफ्टर ऑल इसके बा, इसके बावजूद ही डजेंट इवन पे मी और वो क्या है मुझे तनख्वाह भी कहाँ देता है वो मुझे वेतन भी नहीं देता है पैसे नहीं देता है ठीक है इससे बढ़िया क्या है इसने पैसे बर्बाद करने मैं इसको चोरी कर लूँ इस पैसे को जो उसको पैसे वो लेके आया था ठीक है बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे आज के लिए इतना ही इसको रिवाइज करें करिए और ये जो क्वेश्चन है सॉरी इनको आप सॉल्व करें आई रिफर इन बता दिया है एक्सप्लेन कर दिया आई कौन है ठीक है एंड वट इज ही अफेयरली सक्सेसफुल हैंड एट नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको आपने फाइंड आउट करना है रिवाइज करके इसको ठीक है एंड व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन द रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क अंडरस्टैंड बाप आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू